हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज न्यूज़पेपर इन इंडिया, इंडिया में कैसे कैसे कौन कौन से न्यूज़पेपर आए पहले के टाइम से, एंशिएंट टाइम से या फिर मेडिवल टाइम से, वो टाइम पे तो न्यूज़पेपर नहीं थे लेकिन ब्रिटिश आने के बाद इंडिया में कैसे कैसे न्यूज़पेपर आए वो हम लोग अभी ये पार्ट में देखने वाले हैं। ओके अथर्व, रीड द स्लाइड। यस सर, बंगाल गैजेटी द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। इट वॉज नेम्ड एज अ कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गजेटी गैजेटी। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्ट ऑगस्टस हिकी एंड एरीज जेंटलमैन। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था पहले तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ओके वो इंग्लिश न्यूज़पेपर कभी प्रिंट हुआ था, 29 जनवरी 1780। तो ईयर इंपॉर्टेंट है याद रखो, 1780 में जब ब्रिटिश पीरियड था इंडिया में तभी 29 जनवरी को इंडिया में पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था। वो न्यूज़पेपर का नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ओके लेकिन उसको बंगाल गैजेट भी बोला जाता था, ठीक है, बंगाल गैजेट। बंगाल क्यों? क्योंकि वो बंगाल में प्रिंट हुआ था, बंगाल जो कि कोलकाता में वहां पे प्रिंट हुआ था, इसके लिए उसको बंगाल गैजेट भी बोला गया था, ठीक है। और वो किसने स्टार्ट किया था? आयरिश, आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरलैंड करके कंट्री है, वहां का आयरिश एक जेंटलमैन था, उसका नाम था जेम्स अगस्टस हिकी। तो जेम्स अगस्टस हिकी ने इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश किया था, उसका नाम क्या था? बंगाल गैजेट। आपके बुक में उसका पिक्चर होगा, ये उसका पिक्चर आप देख सकते हो, और उस न्यूज़पेपर का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बंगाल गैजेट का ये पिक्चर आप देख सकते हो। देखो हिकीज बंगाल गैजेट और द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो इसका नाम था कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर, यहाँ पे एडवर्टाइफर है आपके बुक में, एडवर्टाइजर दिया। और हिकीज मतलब जेम्स ऑगस्टस हिकी ने वो स्टार्ट किया था और उसको कॉमनली बंगाल गैजेट भी बोला जाता था। ओके तो ये न्यूज़पेपर का आप इमेज देख सकते हो, ये कभी का है, देखो 1781 का न्यूज़पेपर है, सैटरडे मार्च 10th 1781। ओके नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर इंडिया में इंपॉर्टेंट है दिस इज दर्पण। ओके श्रेयस, रीड द स्लाइड। श्रेयस कैन यू हियर मी, रीड द स्लाइड। ओके श्रेयस इज नॉट एबल टू रीड। अथर्व कंटिन्यू। दर्पण, द न्यूज पेपर दर्पण वॉज चार्टेड इन 1832 इन मुंबई। बाल शास्त्री जांभेकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण। द न्यूज प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यू टू नो अबाउट द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ दोस टाइम। तो देखो जो दूसरा न्यूज़पेपर हम लोग को यहाँ पे देखना है दैट इज दर्पण। तो दर्पण कब स्टार्ट हुआ था? 1831 में, मुंबई में ये स्टार्ट हुआ था 1831 में, और इसका नाम क्या? दर्पण। तो ये बहुत एक फेमस न्यूज़पेपर था दर्पण, जो कि 1832 ईयर याद रखो। और किसने स्टार्ट किया था? बाल शास्त्री जांभेकर, ये वो न्यूज़पेपर के एडिटर थे, मतलब उन्होंने वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। और ये न्यूज़पेपर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रिंट होके आती थी, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीडम फाइटिंग का टाइम था, तभी इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था, तो बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ पे आती थी। इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज़ आती थी, उसके बाद में सोशल न्यूज़ आती थी, सोशल मतलब अलग अलग सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, एंड कल्चरल इवेंट के बारे में अलग अलग न्यूज़ आती थी। तो न्यूज़ के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए कि दर्पण में कौन कौन से न्यूज़, उसके एग्जाम्पल आपको दिए गए। फॉर एग्जाम्पल देखो, हेयर आर अ फ्यू न्यू टाइटल्स, न्यूज टाइटल्स एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपको दिया, द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब यहाँ पे दिया गया कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया था, मतलब पैसे जो उन्होंने खर्च किए थे। तो इकोनॉमिक न्यूज हो गई है, इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे न्यूज आया। आप ये न्यूज पेपर का ये पिक्चर भी देख सकते हो यहाँ पे, द बॉम्बे दर्पण या फिर दर्पण, ठीक है। बॉम्बे क्यों? क्योंकि ये तभी मुंबई में
एस्टेब्लिश हुआ था, और मुंबई को तभी का नाम क्या था, बॉम्बे नाम था, तो बॉम्बे दर्पण करके ये न्यूज़पेपर फेमस था। सेकंड न्यूज़ यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन, तो रशिया का इंडिया के ऊपर अटैक होने वाला है ऐसा एक न्यूज़ था, तो उसके ऊपर ये न्यूज़ है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑन ऑफ द सिटी, तो ये सोशल न्यूज़ है थोड़ी, कि सिटी के क्लीनलीनेस के लिए, मतलब मुंबई जो सिटी थी उसको साफ सुथरा रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए एक कमिटी को अपॉइंट किया गया था, उसके बारे में न्यूज़ है। देन अगेन देखो यहाँ पे, री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज, तो ये भी आप बोल सकते हो कि सोशल या फिर एक कल्चरल न्यूज़ है, कि तभी के टाइम पे विडोज को री मैरिज अलाव नहीं था, तो तभी के टाइम पे री मैरिज करना एक बहुत बड़ा न्यूज़ था, तो उसके बारे में न्यूज़ आप देख सकते हो। द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता, तो कलकत्ता में थिएटर ओपन हुआ था, तो उसके बारे में न्यूज़ है। अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड, तो राजा राम मोहन जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया में, उनके अचीवमेंट्स, वो जब इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की थी, उनके बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। अल्सो राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने बाल विवाह बंद करना या फिर री मैरिज, हिंदू विडोज का मैरिज, ये सब चीज़ों में वो बहुत एक्टिव थे, तो वो इंडिया में बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, उनके बारे में यहाँ पे न्यूज़ आई। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रोज लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ दोस डे, तो ये न्यूज़ के ऊपर से आपको क्या पता चलता है, एक आइडिया आता है कि तभी के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ देख के बता सकते हो कि ये टाइम पे रशियन अटैक का खतरा था, या फिर हिंदू रिलीजन में विडोज का री मैरिज जो है वो एक बहुत बड़ा मैटर होता था, या फिर राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स होते थे, क्लीनलीनेस के ऊपर कमिटी अपॉइंट की जाती थी, तो तभी के हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में आपको ये न्यूज़ से थोड़ी आइडियाज मिल सकते हैं। तो ये सेकंड न्यूज़पेपर हम लोग ने देखा, दर्पण, कभी एस्टैब्लिश हुआ था 1832 में मुंबई में, और किस कौन एडिटर था, किसने एस्टैब्लिश किया था, बाल शास्त्री जांभेकर। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ पेपर, इट इज प्रभाकर, तो प्रभाकर करके एक दूसरा न्यूज़ पेपर है। दिस न्यूज़ पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन, तो कौन सा न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया है ये आपको याद रखना, जैसे हम लोग ने पहले दो चैप्टर में कौन सी बुक किसने लिखी है वो याद किया था, वैसे यहाँ पे कौन सा न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया वो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया है, भाऊ महाजन। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे द लेटेस्ट बाय लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेर पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर, तो ये जो न्यूज़पेपर था उसमें क्या क्या चीज़ें पब्लिश की जाती थी, हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रेंच में लोगों ने रिवॉल्यूशन करके वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की थी, तो वो टाइप के न्यूज़ क्यों आते थे यहाँ पे, क्योंकि इंडिया भी फ्रीडम फाइट कर रहा था वो टाइम पे, तो अगर लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में या फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है ये सब रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो लोगों को एक हिम्मत मिलेगी कि हम लोग फ्रीडम फाइटिंग में हिस्सा लेके इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सकते, तो इसके लिए ऐसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के न्यूज़ वहाँ पे न्यूज़पेपर में आते थे प्रभाकर में। और क्या आता था यहाँ पे, शतपत्रे, ठीक है, लोकहितवादी करके इंडिया में एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोग क्या बोलते थे, लोकहितवादी बोलते थे, तो उन्होंने 108 अलग अलग लेटर्स लिखे थे लोगों के लिए, जिससे वो लोगों को अलग अलग मैसेज पास करते थे, फ्रीडम फाइट के लिए उनको अलग अलग मैसेज पास करते थे, या फिर सोशल फैक्टर्स के ऊपर, कल्चरल इश्यूज के ऊपर वो लोग लोकहितवादी अलग अलग लेटर्स लिखते थे, वो लेटर्स को 108 है यहाँ पे, इसके लिए उनको फेमसली बोला जाता है शतपत्रे, शतपत्रे मतलब 100 लेटर्स, तो ये लेटर्स भी प्रभाकर न्यूज़पेपर में पब्लिश किए जाते थे, तो ऐसे करके प्रभाकर में अलग अलग चीज़ें पब्लिश की जाती थी। तो प्रभाकर किसने एस्टैब्लिश किया, भाऊ महाजन ने ये पेपर स्टार्ट किया, उसके साथ साथ वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, और लोकहितवादी मतलब गोपाल हरि देशमुख के जो शतपत्रे मतलब 100 लेटर्स है उनको भी यहाँ पे प्रिंट किया जाता था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ओके, आकांक्षा रीड द स्लाइड। आकांक्षा कैन यू हियर मी, स्लाइड रीड कर।
श्रावणी कैन यू हियर मी? सगळ्यांना आवाज येतोय? येस सर, आय कॅन हियर यू. ओके, आकांक्षा रीड कर. येस सर. ज्ञानोदय. आकांक्षा, आकांक्षा गॉट डिस्कनेक्टेड. आई वॉज नॉट एबल टू हियर. ओके, आई विल रीड द स्लाइड. ज्ञानोदय जो है वो नेक्स्ट न्यूज पेपर हम लोग देखने वाले हैं. ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851. द हॉनर ऑफ प्रिंटिंग एन इलुस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू ज्ञानोदय. तो अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा प्रिंट हुआ था, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बंगाल गैजेट. लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि इंडिया में ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जिसमें पहले बार इलुस्ट्रेशन प्रिंट हुआ था, तो उसका आंसर क्या आएगा? ज्ञानोदय. इलुस्ट्रेशन मतलब क्या? कोई भी डायग्राम या फिर मैप, उसको हम लोग इलुस्ट्रेशन बोलते हैं. ज्ञानोदय के पहले जो भी न्यूज़पेपर आते थे उसमें नॉर्मली प्रिंटिंग आती थी, नॉर्मल न्यूज़ प्रिंट की जाती थी. लेकिन ज्ञानोदय जो न्यूज़पेपर है उसने पहली बार 1842 में एशिया का मैप प्रिंट किया था अपने न्यूज़पेपर में, और 1851 में उन्होंने यूरोप का मैप प्रिंट किया था. तो ज्ञानोदय इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला ऐसा पेपर है इंडिया में जिसने एक इलुस्ट्रेशन मतलब उन्होंने एक मैप प्रिंट किया था अपने न्यूज़पेपर में. सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो. ओके, द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज़ कैन बी सीन इन ज्ञानोदय. The news of starting of railways in India was printed in Jnanodaya under the title Chakya Masoba, meaning Masoba with wheels. It had also printed the news of Indian War of Independence in 1857. तो Jnanodaya में जो भी famous news आए थे उनके बारे में थोड़ी information दी गई है. पहला information दिया गया आपको telegraph. तो telegraph क्या होता था? यहाँ पे आप देख सकते हो image. Telegraph एक ऐसी चीज होती थी जिसमें इलेक्ट्रिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक टैप देखोगे, ये जो हिस्सा है उसको टैप किया जाता था. तो टैप करने की वजह से क्या होता था, ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाता था और यहाँ पे वायर्स जॉइंट होती थी तो वो इलेक्ट्रिकली इंफॉर्मेशन पास होती थी. मतलब अगर किसी ने टैप किया तो ए, थोड़ी देर के लिए दबाया तो बी, ऐसे अलग अलग कोड वर्ड्स होते थे. टैप के लिए ए, डैश के लिए बी, ऐसे कोड वर्ड्स होते थे. तो उससे इन्फॉर्मेशन क्या की जाती थी, ट्रांसफर की जाती थी. अगर मुझे कोई मैसेज पास करना तो मैं इसके ऊपर टैप करके दूसरे जगह पे टैप या फिर उसको टैप एंड प्रेस करके अलग अलग कोड वर्ड्स यूज करके मैं मैसेज दूसरे जगह पे पहुंचा सकता था. तो ऐसे टेलीग्राफ बहुत पहले के टाइम पे आते थे, अभी नहीं आते. तो वो टेलीग्राफ जब स्टार्ट हुआ था तो उसके बारे में ज्ञानोदय में न्यूज़ आया था. सिमिलरली इंडिया में जब रेलवे स्टार्ट हुआ था तो ज्ञानोदय में न्यूज आया था जिसका टाइटल था चाक्या मसोबा. चाक्या मतलब व्हील्स, मराठी में व्हील्स को क्या बोलते हैं, चाक. तो चाक्या मसोबा इसका मतलब व्हील्स के ऊपर मसोबा आएगा, इसका मतलब क्या, रेलवे को उन्होंने मसोबा करके बोला था. तो वो चाक्या मसोबा ये टाइटल का यूज करके उन्होंने ज्ञानोदय में न्यूज दी थी इंडियन रेलवे के बारे में. सिमिलरली इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग ने देखा था 1857 में पहली बार इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ वॉर स्टार्ट किया था जिसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, जो कि 1857 में हुआ था. अगर सेकंड चैप्टर याद होगा तो तुम्हें याद आएगा कि वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने बुक लिखी थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. तो यही वो वॉर है जो वॉर के बारे में ज्ञानोदय में न्यूज आया था. तो ये चीज़ें याद रखना कि कौन से न्यूज़पेपर कब आया था और उनके जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो आपको याद रखना. न्यूज़पेपर इन दोज टाइम्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस. अ न्यूज़पेपर नेम इंदुप्रक्ष सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे. इंदुप्रकाश, सॉरी, दीनबंधु अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटेटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी बहुजन समाज वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिबा फुले क्लोज एसोसिएट कृष्णाराव भालेकर. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि
तभी के टाइम पे न्यूज़पेपर जो है वो न्यूज़पेपर एक सोशल अवेयरनेस का काम करते थे। फॉर एग्जांपल इंदु प्रकाश करके एक न्यूज़पेपर था, उसमें वीडो के रीमैरिज के ऊपर उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे न्यूज आते थे। तो इस तरीके से इंदु प्रकाश ने अपना पार्ट प्ले किया फॉर अलाउिंग वीडो रीमैरिज। ठीक है, सिमिलरली महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे, हम लोग ने इनके बारे में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, उनके एक क्लोज एसोसिएट थे, उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था कृष्णा राव भालेकर। उन्होंने क्या किया था, दीन बंधु करके एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। दीन बंधु, दीन बंधु मतलब क्या, बहुजन समाज। बहुजन समाज का मतलब क्या, जो भी लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको बहुजन समाज बोला जाता था। तो वो लोगों के लिए उन्होंने दीन बंधु, दीन मतलब गरीब लोग, ठीक है, दीन मतलब क्या, गरीब लोग, तो उनका बंधु, उनका ब्रदर, ऐसे उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। इनके लिए, बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज मतलब लोअर कास्ट लोग जो होते थे तब के, उनके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो ऐसे क्या होता था, न्यूज़पेपर जो है वो सोशल अवेयरनेस करने के लिए इम्पोर्टेंट होता था। न्यूज़पेपर से सोशल अवेयरनेस होती थी। उसका एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो, इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर, उसके साथ साथ दीन बंधु न्यूज़पेपर जो कि कृष्णा राव भालेकर ने स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर जो है, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर है केसरी एंड मराठा। ठीक है, केसरी एंड मराठा द टू न्यूज़पेपर आर इंडिकेटिव ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स बिफोर इंडिपेंडेंस। गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर्स इन 1881। तो 1881 में गोपाल गणेश आगरकर, ओके, ये कौन है, यहाँ पे आप जिनका इमेज देख रहे हो ये गोपाल गणेश आगरकर है, और उनके साथ साथ बहुत लोगों ने सुना हुआ इनका नाम, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, या फिर इनको लोकमान्य तिलक बोलते हैं हम लोग। तो ये दोनों ने मिलके 1881 में दो न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश किए थे। एक न्यूज़पेपर का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा, जिन्होंने इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है इंडिया में उसमें बहुत हेल्प की थी, लोगों तक इंडिपेंडेंस का मैसेज पहुंचाने में, या फिर इंडिपेंडेंस के वॉर में लोगों को शामिल करने के लिए इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस अपने न्यूज़पेपर से पहुंचाए थे। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो केसरी जो था वो मराठी न्यूज़पेपर था, वो मराठी लैंग्वेज में आता था, और जो मराठा न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। तो ये दोनों मिस मत करना, अगर मराठा न्यूज़पेपर दिया है तो उसको मराठी में मत लिखना। मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में आता था, एंड केसरी जो न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश, सॉरी, मराठा इंग्लिश में आता था एंड केसरी जो है वो मराठी में आता था। तो ऐसे न्यूज़पेपर गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में स्टार्ट किए थे। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दैट पीरियड। केसरी बिगन टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट नेशन वाइड सिचुएशन, बुक्स इन द नेटिव लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड। इन 21st सेंचुरी न्यूज़पेपर हैव continued to fulfill an important role. It was acknowledged the fourth column of democracy. तो तभी के टाइम पे केसरी एंड मराठा जो न्यूज़पेपर थे वो क्या करते थे, नेशन वाइड की सिचुएशन, तभी जो फ्रीडम वॉर चल रहा था तभी नेशन में, पूरे इंडिया में कैसी सिचुएशन है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए अलग अलग न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते थे। उसके साथ साथ इंग्लैंड में, इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश लोग, राइट, ब्रिटिश लोगों का हम लोग के ऊपर राज था, तो इंग्लैंड में वहाँ पे क्या पॉलिटिक्स में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी पब्लिश किया जाता था। तो ऐसे करते करते 21st सेंचुरी तक, अभी के टाइम तक, न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके लिए न्यूज़पेपर को फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो लोकमान्य तिलक का, जिन्होंने केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। तो अभी के लिए हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, अभी सर आ गए तो आपका मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट होगा। सबको समझ में आ गया अभी का पार्ट?